नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। और साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आज का वीडियो है ये मैं किस लिए बनाया है कि एक नया आदेश आज आया सरकार का, और उस आदेश में एक बहुत ही एक अलग तरीके का आदेश है। आपको कुछ ना कुछ थोड़ा ज्ञात भी हो गया होगा, बहुत सारे जो एक्टिव कोटेदार हैं सबको पता चल गया होगा, लेकिन उसका मूल नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो आज जो आदेश हुआ है वो मूल रूप से इस बात का है, जैसे मैं थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूँ, अगर 2-3 महीने हम पीछे चलें तो आपने देखा होगा कि सर्वर की दिक्कत बहुत हो रही थी, मशीन की जो गति है चलने की बहुत कम थी, पूरे पूरे दिन में 50 लगा पा रहे थे लोग, पूरे दिन लगे जा रहे थे, बड़ी समस्या हुई, पूरे पूरे महीने में बांट पाया राशन। लेकिन इस महीने क्या हुआ, सर्वर की स्पीड बढ़िया रही और कोई दिक्कत नहीं आई। तो हुआ क्या कि जो राशन वितरण था, जैसा कि पिछले रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड जब सरकार ने मिलाया तो बहुत बड़ा अंतर मिला। कुछ कोटेदारों की, बहुत सारे कोटेदारों की बड़ी संख्या ऐसी मिली जिन्होंने पूरे एक दिन में 500 कार्डों का वितरण किया ईपॉस मशीन से। इस बात में जो हमारे जो प्रशासन के मन में एक संदेह गया कि 500 कार्ड एक दिन में कैसे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उनका सोचना पहले मुझे भी ये लगा प्रथम दृष्टया कि इसमें क्या बात है, कोई लोग मेहनत कर रहे तो बांट सकते हैं, पूरे दिन लगे रहे बढ़ गया। लेकिन नहीं, अगर आप गहराई से जो उनका व्यू अगर देखें सरकार का, तो उनकी बात सही है कि 500 कार्ड एक दिन में बटना एक बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे मुश्किल काम है? अच्छा, होता क्या है, सरकार ने जो पॉइंट्स है, मैं आपको सारा डिटेल में बता रहा हूँ, मैं पॉइंट्स में पढ़ूंगा नहीं आदेश के, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख के हमें जरूर बताइएगा कि हमें क्या करना है, क्या आप जानना चाहते हो। तो उसमें हुआ क्या है कि जैसे अगर कोई मशीन चला रहा है और साथ में आप राशन भी बांट रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों काम इकट्ठे करना, 500 कार्ड बांटना, ये बहुत मुश्किल काम है, असंभव नहीं कहूँगा। क्योंकि होता क्या है कि आप 4-6-8 आदमी लग गए तो आप बांट सकते हो, लेकिन 500 कार्डों का गल्ला बांटना नॉर्मल व्यक्ति के लिए असंभव काम है, ये निश्चित है। यही इसीलिए सरकार को मतलब, अच्छा ये होता भी है, जैसा मैं आपको कहना चाहूँ ये होता भी है आमतौर पे, बहुत से लोग करते हैं कि पहले 2-3 दिन तक अंगूठे लगवाते हैं, बाद में कहते हैं आइए, तो ये गलत तरीका है। और मूल रूप से सरकार इसी बात से इसके विपरीत है, वो ऐसा नहीं चाहती कि आप लोग एक बार बुलाएं और फिर दूसरी बार आप उनको राशन के लिए बुलाएं। तो जो मूल उद्देश्य है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो 500 से ऊपर के कार्ड हैं इनको आयुक्त स्तर से इनकी जाँच होगी, वो अपनी टीम बनाएंगे और इन लोगों की जाँच करेंगे जिन्होंने 500 कार्ड एक दिन में बांटे हैं, और जिन्होंने 300 कार्ड से प्लस एक दिन में बांटे हैं इनको माननीय जो DSO हैं आपके जिले के, वो DSO साहब अपनी टीम गठित करके इनकी जांच करवाएंगे। जांच के जो मूल बिंदु हैं वो क्या होंगे, वो इस तरीके से बिंदु होंगे कि आपने एक दिन में जो बांटे हैं क्या वास्तव में आपने उनको राशन दिया है या सिर्फ अंगूठे लगवाए हैं, आपने सिर्फ ईपॉस से अंगूठा लगवा लिया और कहा हो कि आप 2 दिन बाद आना, तो ये भी एक जाँच का विषय है। दूसरा जाँच का विषय है कि आपने प्रॉपर उसमें दिया गया है कि आपने ये बता रखा है अपने पर्चियाँ पर 0 लिख के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके नोडल अधिकारी साथ में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, इन सारी चीज़ों की जांच होनी है। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, आपने बांटा है, अब आदेश आया है तो जाहिर सी बात है कि आप दे भी चुके होंगे राशन, लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर जो भी कार्ड लगाते हैं जनता की सहूलियत के लिए हम उनको तुरंत बांट भी दें। और आप लगाएंगे और बांटेंगे तो आप 150-200 ही ज़्यादा से ज़्यादा बांट सकते हो, पूरी मेहनत करोगे तो आप 300-500 पे नहीं पहुंचोगे। और अगर आप 8-10 आदमी लगा रहे हो, 4-6-8 आदमी लगा रहे हो, तो ये भी गलत है, सरकार इसलिए आपको नहीं कहती, आपको 70 रुपये कमीशन मिलता है, इसमें आप इतने आदमी क्यों लगाएंगे। तो यही चीज़ है, बहुत बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, जाँच है उनका सहयोग कीजिए। तो ये ध्यान रखें, मूल जो हमारा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप जो भी अंगूठे लगवाएं उनको आप तत्काल वितरण कर दें, उनको बुला के आप कहें अपना जो भी है झोला बोरी साथ लेकर आइए और साथ में उनको गेहूँ चावल का वितरण करें। तो ये सारे जांच के विषय हैं, तो ये बताना क्लियर करना मुझे जरूरी था सब्सक्राइबर्स को, वो मैंने कर दिया है। बाकी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप प्लीज़ कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे तत्काल आपका वो उत्तर हम आपको कमेंट के माध्यम से दे दें। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएँ, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।